उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चार चरण का मतदान हो चुका है और तीन चरण का मतदान बाकी है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इस तरह वो जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर उन्हें ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है। अब उन्हें मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वे अपनी बात को मुझसे जोड़कर कह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जेल जाने का आपका अनुभव दिल्लीवासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे के सपने पर पानी फेरने का काम जरूर किया है। अन्ना हजारे ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, उस कांग्रेस को आपने गले का हार बनाकर आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल की यात्रा से आए हैं तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये जेल का साइड इफेक्ट है। रक्षा मंत्री और लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह के समर्थन में हुई गुरुवार को जनसभा में केजरीवाल का नाम लिए बगैर सीएम योगी ने कहा कि उन्हें हमारे भविष्य की चिंता छोड़कर आम आदमी पार्टी के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस समस्याओं के बैरियर हैं, जबकि भाजपा समाधान। कांग्रेस, सपा और आप नेताओं को जनता सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में लौटती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी और अब खुद सीएम योगी ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया है। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं।